हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेका और आज हम बात करने वाले हैं रोड होम के एपिसोड 13 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैन कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं अंदर जा रहा हूँ। चिन रोबोट को ट्राई करने को कहता है, बट चैन कहता है जगह के हिसाब से रोबोट काम तो कर सकता है, बट यहाँ बॉम वाला रोबोट यूजलेस है। मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरा वेट करो। चैन अपना सूट उतार कर डक में घुसता है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन रूम में ऑफिसर्स पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बॉम्ब कब तक ब्लास्ट करेगा, बट वो थीव्स कुछ भी नहीं बताते। सीनियर ऑफिसर पूछता है क्या लूचन बॉम्ब डिस्पोज कर रहा है। दूसरा ऑफिसर बताता है हाँ, बॉम्ब ट्रिकी जगह रखा गया है, मॉल खाली करा लिया है, बट एक प्रॉब्लम है क्योंकि पास ही में एक हॉस्पिटल भी है, पेशेंट को वहाँ से हटवा भी नहीं सकते। इसलिए कैप्टन लू खुद ही बॉम्ब को डिसमेंटल करने गए हैं। सीनियर ऑफिसर कहता है फिर भी हमें पता लगाना ही होगा और इन्वेस्टिगेशन करो, इनके साथ वाले को पकड़ो और उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करो। थीव कहता है सिर्फ मैं ही बॉम्ब फटने का टाइम जानता हूँ, पूछना बेकार है, बस वेट करो बॉम्ब फटने का। यहाँ चैन डक में घुस कर जाता है। यहाँ शॉक कॉल पे बात करती है। शान कहती है ऐसा बॉयफ्रेंड दो जगह बिलोंग करता है, पहला कंट्री दूसरा फैमिली। शॉक कहती है मैं बाद में बात करती हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ चैन को फाइनली बॉम्ब दिखता है। वो उस बॉम्ब को देखता है और बॉम्ब की डिटेल्स बताता है। बाहर सभी लोग उसका वेट करते हैं। यहाँ शॉक दर्द के मारे कराती है। इन्वेस्टिगेशन रूम से भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता। ऑफिसर चोर को देखकर कहता है इसके हाव भाव से लगता है बॉम्ब ब्लास्ट करने का टाइम नजदीक है, चैन को इन्फॉर्म करो। अगर वो बॉम्ब को टाइम से पहले रोक नहीं पाया तो लास्ट मोमेंट में आई होप वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेगा। यहाँ चैन को इन्फॉर्म किया जाता है। चैन कहता है मैं छोड़ के जा नहीं सकता क्योंकि पास में हॉस्पिटल है, पेशेंट है वहाँ, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। चैन कहता है बॉम्ब के फटने का टाइम नजदीक है। चैन कहता है इसमें बहुत ज्यादा RDX है, जब क्रिमिनल ने बॉम्ब को सेटअप किया होगा वो भी गलती से इंजर हुआ होगा। कोई ना कोई तार तो होगा जो बॉम्ब को फटने से रोक सके, बस मुझे वही ढूंढना है। यहाँ शॉ सोते में चैन को मिस करती है, बट वो जैसे ही फोन उठाती है वो गिर जाता है। वो तड़कर टाइम को देखती है और बाहर आकर अपने मेडिसिन खाती है और अंदर जाके अपने आप को तसल्ली देकर सो जाती है। यहाँ सीनियर ऑफिसर पूछता है टाइम होने ही वाला है, चैन अब तक बाहर क्यों नहीं निकला। सभी चैन से कहते हैं टाइम हो गया है, बाहर निकलो, बट चैन कहता है मैं नहीं जाऊँगा जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। चैन को फाइनली वो वायर मिल जाता है, बट वो उस वायर को कट कर देता है। फाइनली खतरा टल जाता है। चैन बॉम्ब को निकाल कर डिस्पोज करने का ऑर्डर देता है। चैन उस बॉम्ब को बाहर निकालता है। चोर सोचता है अजीब है, बॉम्ब अब तक फटा क्यों नहीं, चल क्या रहा है। सीनियर ऑफिसर कहता है हमारे पास बहुत टाइम है तुम्हारा कन्फेशन सुनने के लिए। चैन यहाँ बॉम्ब बाहर निकालता है और डिस्पोजिंग में रखता है। चैन चिन से कहता है बॉम्ब बहुत पावरफुल है, इसको ज्यादा अंदर गड़वा देना। चिन एग्री करता है। चैन कहता है इतना खतरनाक बॉम्ब कोई एक इंसान बना नहीं सकता, इसे बनाने में कई लोगों का हाथ हो सकता है, हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। चैन स्टेशन पहुँचता है। सीनियर ऑफिसर उसे अच्छे से देखता है। चैन कहता है मैं रिपोर्ट कल बना कर देता हूँ। गाँव है कहता है वापस जल्दी जाओ, आपकी गर्लफ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। चैन कहता है क्या कहा तुमने उसे। हाय कहता है मैं उन्हें कुछ बता नहीं सकता था इसलिए कॉन्फिडेंशियल कहा। चैन कहता है मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। चैन होटल में शाओ के पास पहुँचता है। वो उसे देखता है और फ्रेशन अप होकर जैसे ही लेटता है, यहाँ शाओ अंगड़ाई लेती है। जैसे ही चैन उसका हाथ पकड़ता है उसे पता चलता है कि शाओ को बुखार है। वो उठकर मेडिसिन लेने के लिए बाहर निकलता है और मेडिसिन लाकर गर्म पानी करके शाओ को खिलाता है और उसे अच्छे से गर्म पानी पीने को कहता है। वो उसे अच्छे से लिटाकर ठंडे पानी से स्पंज देता है और उसका प्यार से ख्याल रखता है। बाद में वो उसका टेम्परेचर लेता है और शाओ से सॉरी कहता है। जैसे ही शाओ को होश आता है वो सामने चैन को पाती है और उसके पास जाकर रोती है। चैन कहता है शहर में ट्रिकी बॉम्ब था, उसे डील करना बहुत मुश्किल था इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। चैन शाओ को रोते हुए देखते हुए कहता है जाने से पहले मैंने नहीं सोचा। शाओ कहती है मैं समझती हूँ, बट मुझे पूरी रात सिर्फ तुम्हारी चिंता थी, ये जॉब है तुम्हारी, शायद ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। चैन शाओ को अपने गले लगा कर कहता है जब मैं बॉम्ब से डील कर रहा था वो लोग मेरे लास्ट वर्ड सुनना चाहते थे, मैंने वहाँ तुम्हारा जिक्र क्यों नहीं किया,
क्योंकि मुझे लगा कहीं तुम मुझे भूल ना पाओ, बाद में कहीं तुम शादी ना करो और मेरी ग्रेवयार्ड में हर साल सिर्फ तुम मुझसे मिलने आओ। वैसे भी अभी हमारी शादी नहीं हुई है और तुम एक वाइफ की तरह ट्रीट करोगी मुझे। चाओ जेन को गुस्से से मारती है और कहती है, जैसे ही वापस जाएंगे सबसे पहले हम शादी करेंगे। कल मुझे हमारे पुराने दिन याद आ गए। मैं तुम्हें देखने के लिए बार बार रोटी पर तुम वहाँ नहीं थे। तब मैंने सोचा कि अगर तुम मिशन की वजह से नहीं रहे तो मैं भी अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट में बिता दूंगी। वो रोते हुए कहती है, मेरे डैड तुम्हें पसंद नहीं करते और शायद तुम्हारी फैमिली मुझे, पर कोई बात नहीं, मुझे अब किसी भी बात का डर नहीं, सब बाद में ठीक हो जाएगा। वैसे भी हम 10 साल अलग रहे। तुमसे मिलने से पहले मैंने किसी से भी शादी के बारे में नहीं सोचा, बट अब हम साथ हैं तो शादी करते हैं। चैन शांत रहता है। शाओ कहती है, कुछ तो जवाब दो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चैन कहता है, अगर मरने से पहले मैं तुम्हारे लिए मैसेज नहीं देता तो तुम डरती क्या? शाओ एग्री करके चैन को मार के कहती है, एटलीस्ट तुम मुझे अपनी फैमिली का टाइटल तो देते ना, ताकि मैं तुम्हारे लिए फ्यूनरल अरेंज तो कर सकती थी। चैन उसे प्यार से गले लगाता है। स्वाट अकेडमी में चिन हाओ को डांटते हुए कहता है, तुमने शाओ को ढंग से इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? बताया तुम्हें वो कितना डर गई? अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते क्या? हाय कहता है, मैं कुछ बता भी नहीं सकता था। अगर आप होते तो मेरी जगह क्या कहते? चिन कहता है, पता नहीं। तभी चिन के पास कॉल आता है, वो उठकर बाहर चला जाता है और नान समझकर उससे क्वेश्चन करता है। पर जैसे ही रू अपना नाम लेती है, चिन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो कहता है, बताएं। रू कहती है, मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। तुम्हारा बेटा डॉक्टर के पास है, उन्हें ये जानना है कि नान को किसी भी चीज से एलर्जी है क्या? चिन कहता है, नहीं शायद, पता नहीं। रू कहती है, ठीक है मैं डॉक्टर से बात कर लूंगी। और चिन की डांट लगाते हुए कहती है कि नान अब बड़ा हो रहा है, उसे ढंग से खाने की जरूरत है। चिन एग्री करके कहता है, आपको जैसा ठीक लगे आप करें, मैं बाकी सारा पेमेंट कर दूंगा। रू कहती है, मैं समझ गई, मैं डॉक्टर से मिलती हूँ, नान का ख्याल मैं खुद ही रख लूंगी। चिन रू का नंबर सेव करता है। नान चिन को मैसेज करता है, आंट रू बहुत अच्छी है। तभी हाय आकर चिन से रिपोर्ट लिखने को कहता है, और अगर नहीं तो मैं कैप्टन लू को बुलाकर रिपोर्ट लिखवाऊं क्या? चिन कहता है, कल रात का सबक मिला नहीं क्या तुम्हें? मैं लिखूंगा रिपोर्ट। और कौन? यहाँ चिन रिपोर्ट लिखता है बट वो लिख नहीं पाता। तभी दूसरा कॉमरेड आता है। चिन कहता है, कैप्टन लू इस बार अपने दिल के बोझ से बाहर फाइनली निकल ही गए। ओल्ड कैप्टन की डेथ में उनकी कोई गलती नहीं थी, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। कॉमरेड कहता है, लीडर ने उन्हें ब्लेम लेने के लिए मना किया बट वो फिर भी जिद पे अड़े रहे। चिन कहता है, तुम नहीं समझोगे, वो लू यांचन है। यहाँ चैन शाओ से पूछता है, तुम रोई? शाओ एग्री करती है और कहती है, मैं अभी भी ठीक नहीं हुई हूँ। चैन कहता है, मैंने तुम्हारा अच्छे से क्या रखा? शाओ कहती है, तुमने मेडिसिन ही तो दी थी। चैन कहता है, नहीं मैंने तुम्हें स्पंज बाथ भी दिया। शाओ कहती है, तो ठीक है शादी करो मुझसे, मैं अपनी मॉम को और तुम अपनी मॉम को इन्फॉर्म करेंगे। चैन कहता है, तो मुझे ये मैरिज रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी क्या? शाओ एग्री करके कहती है, मेरी मदर ने हमें कंग्रेचुलेट भी कर दिया है, अब तुम करो। चैन अपनी मदर को मैसेज करता है। शाओ खुश होती है। चैन बाथरूम चला जाता है और शाओ का फेस वाइप करता है और कहता है, तुम बचपन से ही ऐसी लेजी थी क्या? वो दोनों आराम से फाइनली सो जाते हैं। बाद में शाओ के पास मैसेज आता है, वो उसे रिप्लाई करती है। शाओ पूछती है, तुम जेलस हो रहे हो क्या? चैन कहता है, क्यों ना हूँ। बाद में चैन नहाने चला जाता है। बाहर से शाओ पूछती है, तुमने पहले शीनिंग क्यों छोड़ा, कुछ हुआ था क्या? चैन कहता है, जब मैं शीनिंग में आया मेरे पास 3 चॉइसेस थी, 2 कैप्टन भी मेरे साथ यहाँ आए थे। जब मेरा रिक्रूटमेंट हुआ, ओल्ड कैप्टन ने मुझसे घंटों बात की, उन्हें पता चला कि मैं बीजिंग से हूँ, उन्हें डर था कि मैं शीनिंग नहीं रह पाऊंगा, वो बातों में अच्छे नहीं थे बट काम में अच्छे थे, इसलिए मैंने शीनिंग सिलेक्ट किया। पहले कैप्टन अपने कलीग को बचाने में नहीं रहे, दूसरे मेरे ओल्ड कैप्टन थे जो एक मिशन में नहीं रहे। उस दिन ग्रेवयार्ड में तुम तो उससे मिली चुकी हो, लास्ट टाइम जब तुम शीनिंग आई उन्हें मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। मैं उनके घर उनके फादर से मिलने गया जब तुम्हारा कॉल आया, उनकी जगह मुझे मरना था। जिन लोगों की वजह से कैप्टन नहीं रहे, मैंने उन लोगों को और उनके साथियों को भी पकड़ा। मैं कैप्टन के एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतरा, इसलिए मैंने रेजिग्नेशन भी दिया। तभी शाओ बाथरूम में आती है। चैन कहता है, कुछ और पूछना है क्या? शाओ कहती है, नहीं तुम बस कम ही बात करती हो। चैन कहता है, टीम तुमसे बात करना चाहती है। शाओ कहती है, मतलब? चैन कहता है, तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो,
इसलिए वो तुमसे अभी मिलना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में वो तुमसे मिल नहीं पाएंगे। शाओ कहती है पहले भी तो हम मिल ही चुके हैं। चैन कहता है तुम पहले गुस्से में थी, इसलिए वो तुमसे ढंग से मिल भी नहीं पाए। क्या तुम चलोगी? शाओ फाइनली एग्री करती है। स्वॉट बेस के बाहर चैन और शाओ कुछ खाते हैं, क्योंकि चैन को लगता है कि उसके कॉमरेड कहीं उसके अंदर परेड ना ले। दोनों फाइनली अंदर बेस में पहुंचते हैं। चिन शाओ को नान का ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है। सभी शाओ को वहाँ चैन के साथ देखकर खुश होते हैं। सभी लोग कैंटीन पहुँचते हैं। वहाँ सभी कॉमरेड अपनी अपनी पोजीशंस पे बैठे होते हैं। शाओ ने देख के शॉक हो जाती है। चैन कहता है बस करो, वैसे भी मेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढना मुश्किल है। अगर तुम्हारे गोने से भाग गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सभी वहाँ खड़े होकर भाभी भाभी करते हैं। शाओ उन सभी से मिलकर ग्रीटिंग्स देती है और बैठती है। चैन ड्रिंक सर्व करवाता है। चिन कहता है हमने सभी वैरायटी प्रिपेयर की है, बट ये पी पाएंगी या नहीं ये सब अब तुम पे डिपेंड करता है, कैप्टन लू। चैन कहता है तुम लोगों ने क्या प्लान किया है बताओ। चिन कहता है 5 किलोमीटर भागना और 200 सिटिंग ट्रॉट करने होंगे, ये ज्यादा तो नहीं है, है ना? चैन कहता है और क्या है। चिन कहता है वेट उठाना होगा। चैन पूछता है कितना? चिन कहता है ज्यादा नहीं, बस तुम्हारी वाइफ को ही उठाना है। चैन कहता है तुम सभी बिगड़ गए हो क्या? तभी एक कॉमरेड कहता है अब आप हमारे कैप्टन नहीं हो, अगर आप एम्बेरस हो तो गलती हमारी नहीं है। चैन कहता है ठीक है, और वो अपना जैकेट उतारता है और शाओ को कॉपरेट करने को कहता है। सभी बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं। चैन शाओ को उठाकर 5 किलोमीटर भागता है। सभी वहाँ ऊटिंग करते हैं। चैन भागता है। शाओ कहती है तुम धीरे नहीं भाग सकते क्या? चैन कहता है 20 मिनट में 5 किलोमीटर भागना विथ वेट को उठाना ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैं इनका पुराना कैप्टन हूँ, मैं एम्बेरस नहीं हो सकता। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।